हेलो स्टूडेंट्स। सो यार फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड यानी कि हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसके रिगार्डिंग यार काफी सारे बच्चों की क्वारी जाती है रिगार्डिंग द मेरिट लिस्ट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट है वो 13 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई है एंड बहुत सारे प्रोग्राम की बाकी है अभी। तो काफी सारे बच्चों के इश्यू रहता है एंड आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछला जो फर्स्ट राउंड आया था उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉट होने के बाद भी बच्चे फीस पे नहीं कर पाए थे। आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज द इश्यू, उनका क्या प्रॉब्लम था, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ था उनके साथ कि उनको जो है सीट अलॉट होने के बाद भी जो है वो लोगों ने फीस पे नहीं की। तो सबसे पहले आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ कि आपको फीस पे कैसे करना है, यानी कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे आपको देखना है। तो यार जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको फीस पे कैसे करना है, बाद में बताऊंगा कि आपको मेरिट लिस्ट कहाँ पे चेक करनी है, कौन से की आई कौन से की नहीं आई। तो यहाँ पे आपको पहले जाना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है, ठीक है, एंड ये ओके, देन लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करते हो ऐसा कुछ दिखता है। अगर जिन भी बच्चों को सीट मिलती है उसको एक्शन के अंदर आ जाता है पे द फीस और विड्रॉ एप्लीकेशन, ठीक है, जैसा कि इसको अलॉट नहीं हुआ बच्चे को। तो अगर इसको अलॉट होता तो इस एक्शन वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा लंबा इधर की ओर हो जाता है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, ओके। और जब तक आपका टाइम फीस का पूरा हो जाता है उसके बाद आपको सिर्फ विड्रॉ एप्लीकेशन दिखता है, ओके। अब अपन देखते हैं कि यार आपको देखना कहाँ पे है कि आपको सीट अलॉट हुई कि नहीं हुई, Incoming call from the ओके Gaurav Saini. ओके। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो फर्स्ट पेज दिख रहा है, ठीक है, व्हेन यू आर विजिट दिस फर्स्ट पेज एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिस्टें तो चल रही होगी, यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन देख लो, ठीक है। आपको मोबाइल से आप अगर यूज कर रहे हो ना तो डेस्कटॉप मोड में उसको कर लो कन्वर्ट। व्यू ऑल पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे, इसको थोड़ा वेबसाइट थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे 1 से 2 मिनट के अंदर आपको एक पीडीएफ जैसा खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, जैसा कि देख सकते हो चक्री घूम रही है लगातार, ये व्यू ऑल है, ठीक है, तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। यार जो भी बच्चे सीयूटी यूजी वाले हैं, सीयूटी यूजी का नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। जिस लोगों ने एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकते हैं, नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक। एक मेरा है न्यू यूट्यूब चैनल है, उसको भी जरूर से जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है, सारे के सारे बच्चे जरूर से जाके सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी काफी टाइम लगा रहा है यार, ये वेबसाइट बहुत धीरे चलता है इनका। तो गाइस आखिरकार 4 से 5 मिनट के बाद एक पेज खुल चुका है और यहाँ पे यार जितने भी ब्रांचे हैं, ठीक है, सारों का नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे कि फार्मेसी वगैरह का मेरे को शो नहीं कर रहा, बहुत सारों की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, बहुत सारों की फर्स्ट लिस्ट अभी आई है, ओके, देख सकते हो। ये 13 तारीख को रिलीज हुई है बीए फर्स्ट लिस्ट, सेमेस्टर पोरी कैंपस जो भी है, ठीक है, ये टेहरी कैंपस हो गया, SRT, ओके, तो ये योगा साइंस के लिए हो गया, ये जर्नलिज्म के लिए हो गया, और यहाँ पे एक अलग ही नोटिस आ रखा है रिगार्डिंग द कन्वोकेशन। अभी इस टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में गेम वगैरह चलते रहते हैं, आयोजन चलते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी है। ये देख सकते हो बीटेक की फर्स्ट सेमेस्टर की आ चुकी है सेकंड मेरिट लिस्ट, ओके। तो अब हम देखते हैं यार जो भी बीकॉम वाले बच्चे हैं या फिर बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फर्स्ट लिस्ट एंड इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या आया है, तो देख तो ये नोटिस है, फर्स्ट लिस्ट फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन श्रीनगर कैंपस डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन ऑन द सीयूईटी, ऑल द पार्टिसिपेंट शॉर्ट लिस्ट इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, टेकिंग प्रोविजनल एडमिशन फीस सबमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड। फॉर टेकिंग प्रोविजनल ऑनलाइन मोड यानी कि आपको फीस ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है टिल 17 अक्टूबर तक। डाउनलोडिंग एंड फिलिंग एडमिशन फॉर्म, आफ्टर सबमिट द एडमिशन फीस द स्टूडेंट विल हैव टू डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड ऑल द स्टूडेंट रिक्वायर टू केयरफुली फिल द एडमिशन फॉर्म एंड हैव टू अटैच फोटो कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये देख सकते हो 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सीयूईटी स्कोर कार्ड, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो एडमिशन की फीस रिसिप्ट, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जैसे कि ओरिजिनल ट्रांसफर माइग्रेशन करेक्टर, ओके, लेटेस्ट ऑफ प्रीवियस 6 मंथ। दो भाई पागल है क्या यूनिवर्सिटी वाले यार, कैसी बातें करते हैं, वो तो कॉलेज वाले देंगे तभी का होगा ना स्कूल वालों का।
और कंपलसरी अटेंडिंग काउंसलिंग फॉर डॉक्यूमेंट इन बिरला कैंपस। इट इज कंपलसरी फॉर एप्लीकेंट्स टू फिजिकली अटेंड दिस काउंसलिंग अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फील्ड एडमिशन फॉर्म अलोंग विद अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड मेंशन। द काउंसलिंग विल बी कंडक्ट 18 से 20 अक्टूबर इन बिरला कैंपस गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ओके, तो यहाँ पे जो भी है इन बच्चों के लिए ऑफलाइन जो भी आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। All admission before counseling will be considered as provisional. Failure in attending counseling will automatically lead the cancellation of provisional admission. तो भैया यार इन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, ईमेल आईडी भी दिया है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार ये जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जुबिनक द्विवेदी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एडमिशन हो चुका है EWS कैटेगरी में। ठीक है, यार जिन भी बच्चों के काफी लो स्कोर है ना वो हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे CUET गाइडेंस प्लान में इनरोल कर सकते हो। हमारी एक्सपर्ट टीम पूरी हेल्प करती है आपकी टू प्रोवाइड द एडमिशन स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आपको हमारी तरफ से पूरा ट्राई किया जाता है कि आपको कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज अलॉट करा दिया जाए। तो आप उसके लिए हमारा CUET गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस ओनली फॉर 1499 रुपये है। साथ में आप हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड एक नीचे CUET UG का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर रखा जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। तो यार ये तो थी एक, अब इसके साथ ही मेनी मेनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट है, देख सकते हो आप। ओके, अब बहुत सारी कोर्सेज की जो लगातार आती रहती है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो मेरे को यहाँ पे बी फार्मा वगैरह की नहीं दिख रही कुछ आई थी। इससे पहले पहले भी आ चुकी है, ठीक है, मेरिट लिस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोर्सों के लिए सेकंड बार मेरिट लिस्ट आ रही है, बहुत सारे कोर्सों के लिए फर्स्ट बार मेरिट लिस्ट आ रही है। ओके यार, पहले वाले राउंड में क्या हुआ था ना, कुछ बच्चों को यहाँ पे देख सकते हो एक्शन के अंदर शो कर रहा है विड्रॉड एप्लीकेशन, या देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने आपका अलॉटमेंट तो हुआ था, आपने फीस टाइम पे नहीं किया तो आपका जो सीट वाला जो पे करने का ऑप्शन है वो चला गया और आपको इस काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया इस राउंड इस ब्रांच से। ठीक है, तो सभी बातों का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। वेबसाइट यार इनका काफी धीरे चल रहा है, तो यार ये देख सकते हो काफी सारी कोर्सेस है ना, जैसे कि यहाँ पर ये 12 तारीख वाई है, ठीक है, ये देख सकते हो बीए मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेम ये 12 को आई है, इसके बाद ये पहले 11 को अलॉट हुई थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको यार 3 दिन का टाइम दिया जाता है, जैसे कि जो 13 तारीख को लिस्टें आई है ना उनको 17 तक फीस पे करनी है। ठीक है, देन उसके बाद भी हो सकता है सीटें बचती है तो फिर से राउंड कंडक्ट किए जाए। बहुत सारे कंडीशन में स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता है, बहुत बार क्या होता है गूगल मीट पे लाइव मीटिंग होती है, देन हमको जो है वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड उसके बाद एडमिशन कंडक्ट होता है। तो इस प्रकार से एडमिशन चलते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारा CUET प्लान एनरोल कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी हेल्प करती है टू प्रोवाइड द एडमिशन इन CUET कॉलेजेस। ठीक है गाइस।